मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ क्रिस्पी भिंडी या क्रिस्पी लेडी फिंगर। तो आइए देखते हैं कि क्रिस्पी भिंडी के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। ये भिंडी है 200 ग्राम, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, तेल डीप फ्राई के लिए, जीरा पाउडर है, मिर्च पाउडर है, हल्दी है, आमचूर पाउडर है और धनिया पाउडर है, और ये है बेसन और ये है चावल का आटा। अब हम करते हैं आगे की तैयारी। सबसे पहले मैं भिंडियों को दोनों साइड से कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करके मैं बीच में से चीरा लगाई हूँ। चीरा लगा के हमको इसमें के जो सीड्स हैं, बीजे हैं, उसको निकालना है। अगर हम उसको नहीं निकालेंगे तो हमारी भिंडी क्रिस्पी नहीं बनेगी, कुरकुरी नहीं बनेगी। मैंने उसके बाद उसके और दो टुकड़े कर लिए, मतलब मैंने एक भिंडी के चार टुकड़े कर लिए। अगर आप इसे पतले करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अब मैंने सारे भिंडी में से बीजे निकाल लिए हैं। मेरा आप देख सकते हैं एक के चार टुकड़े हो गए। मैंने पूरे बीजे भी निकाल लिए और उसके अंदर जो रेशे उसको भी निकाल लिए। मेरे पूरे भिंडी कट गए हैं। ये 200 ग्राम भिंडी है। उसके बाद मैं उसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर डाल के अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इसको मैं 10-15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। अब मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, इसको मैंने ढक दिया है। ढक के मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। 10 मिनट बाद देख सकते हैं भिंडी में थोड़ा सा नमी भी छूट गया, सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई है। अब मैंने एक स्पून चावल आटा और एक स्पून बेसन डाल दिया। डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। स्पून से अच्छे से नहीं मिक्स हो रहा है, हमें हाथ से ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स करना है। अब मैंने उसमें एक स्पून तेल डाला है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से बाइंड हो जाए। मेरी भिंडी कम है इसलिए मैंने एक स्पून यूज़ किया। इनकेस आप अगर ज़्यादा भिंडी ले रहे हो, जैसे 1 किलो भिंडी है तो 1/4 कप चावल आटा, 1/4 कप बेसन, मतलब दोनों इक्वल रहना चाहिए। अब मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख के तेल डाल दिया डीप फ्राई के लिए। तेल जैसे ही गर्म हो गया उसमें मैंने भिंडी डाली है। भिंडी डालते समय तेल का फ्लेम हाई होना चाहिए, फिर उसके बाद मीडियम। अब मैं भिंडियों को भूंज रही हूँ, सॉरी फ्राई कर रही हूँ अच्छे से, डीप फ्राई। इसको क्रिस्पी होते तक फ्राई करना है, जब तक थोड़ा सा इसका कलर चेंज ना हो और ये थोड़ा सा क्रिस्पी ना लगे। अब ये थोड़ा सा और बचा है, मैं इसको थोड़ी देर और भूनी। आप देख सकते हैं मेरी भिंडी अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैं बाकी बचे भिंडियों को भी डाल रही हूँ, सेम उसको भी वैसे ही। डालते समय गैस का फ्लेम हाई है, फिर उसके बाद मैं उसको फ्राई कर रही हूँ तब तक जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो गए। मेरे ये भिंडी भी बन गए हैं। आप देख सकते हैं मेरी पूरी भिंडी रेडी है और मैंने इसको सर्व किया नींबू के साथ। आप भी ये क्रिस्पी भिंडी बना के देखिए और बताइए आपको कैसा लगा। मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।